हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम शाम से ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो शाम को हलवा खाने का मन था, मतलब शाम 3 बज रहा था उस टाइम, 3:30 बजे करीब। तो एक छोटी सी लौकी थी, मैंने सोचा चलो उसको ही बना देते हैं झटपट वाला। जैसे मन कर दिया कोई चीज़ और कोई चीज़ नहीं रहती है, तो उसी में इंसान सोचता है चलो खाना है तो एडजस्ट करो। तो हलवा हमारा बन रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स हमको जाना था बर्थडे पे, हमारी देवरानी की छोटे वाले बाबू का बर्थडे था। तो झटपट हम थोड़ा सा ऐसे टेस्ट के लिए हलवा बनाए थे और हम लोग खा के उसके बाद रेडी वेडी हुए और चल पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो अच्छा बना था, जैसे नॉर्मल कोई चीज़ बनाओ तो भी अच्छा बना था। दूध मैंने इसमें काफ़ी डाल दिया था पर टेस्ट बहुत अच्छा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि एकदम बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रेडी होके निकल जाते हैं वहाँ बाबू के बर्थडे में। तो पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, ये हैं बर्थडे बॉय, इनका मुंह देखिए कैसे देख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इनका बर्थडे रहता है, सब बच्चे मस्ती करते रहते हैं, इन लोग का बस खाली ये देखिए बाबू पूछा इतना लंबा रॉकेट की तरह ये कुछ बातें कर रहा है। और यहाँ पे सब लोग जुटे हुए हैं फ़ोटो और पोज मारने के लिए। ये केक तो बहुत टेस्टी रहता है, तो केक तो बहुत टेस्टी है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, एक बैठे थे आराम से, हम लोग बोले खड़े हो जाओ बाबू, तो खड़े हुए। तो फटाफट इनकी आरती होती है, सभी लोग घर में करते हैं। मम्मी हंस रही हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमेडी हो जा रही थी। देख सकते हैं कि ये कैसे मुंह बना के खड़े हुए हैं यहाँ पे सब लोग। ये लो मैं केक खिलाते हुए इनको बाबू को इधर उधर लगा दी, पर मुझे पता नहीं केक खिलाने के बाद जो इधर उधर सब लोग लगा देते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, पर अच्छी बात है एंजॉय हो जाता है सबका। ये भी खड़े हो गए हैं, बेबू कैसे हंस रही है, बाबू दीदी हम सब लोग खड़े हैं कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे हैं। और ये आ गया इनका गिफ्ट देने का। तो अभी गिफ्ट हो गया, बाकी बहुत ज़्यादा क्लिप हम ले नहीं पाए क्योंकि बीच बीच में काम था, इधर उधर हम लोग जा रहे थे आ रहे थे तो बीच में नहीं ले पाए। फिर भी बर्थडे अच्छे से हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं केक वेफर सब खाए, को मस्ती किए आराम से एकदम। फिर बच्चे पार्टी यहाँ खा रही है, ये देखिए ये भी बैठे हुए, सौर बैठा हुआ है, सभी बच्चे बैठे हैं खाए जा रहे हैं। बाबू बहुत क्यूट है, कैसे बोल रहे हैं ये देखो, ये बाबू भी बहुत क्यूट है, सब अच्छे हैं मस्ती कर रहे हैं और बेबू अकेले अपना एंजॉय कर रही हैं, अकेले अपने केक का टेस्ट लेके खा रही हैं, क्या बात है बेबू। अब ये आ गया किचन जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना पूरा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स खाना यहाँ पे रेडी है, जैसा कि देख सकते हैं चावल बन गया है, सब्जी पनीर मटर की बन गई है और खीर बन गई है, पूरी भी बनी रही है फिलहाल, बाकी चीज़ें बन गई है और पूरी भी बनी रही है क्योंकि अब बर्थडे हो गया और सब लोग खा लिए थे केक वगैरह, उसके बाद खाना वाना का मतलब हो गया था कि थोड़ी देर रुक के खाएंगे, तो इसलिए आराम से हम लोग हो रहा था काम, कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पे कुछ बोल रही थी दीदी तो हम उनसे बात कर रहे हैं और ये ले ली वीडियो। पूजा बोल रही हैं दीदी आप फटाफट निकालिएगा, मुझे दे नहीं रही हैं कि मैं तब तक निकाल रही हूँ पूरी, बस आप खाना निकालिए जल्दी क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मस्ती हम लोग की है। 9 बजे केक ही कट किया गया, उसके बाद फिर केक वेक खाने में 9:30-10 बज गए थे, थोड़ा बहुत मस्ती हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती में हम तीनों लोग डांस भी हल्का सा नॉर्मल सा किए, उसके बाद फिर यही फिर खाना मैं फटाफट सबको ऐसे वाली रूम में ले जाके सब बच्चे पार्टी को बैठा के और हम फटाफट खाना निकाल दिए हैं, तो सब लोग खा लेते हैं फटाफट हो जाता है। खाना कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स खाना कैसा लगा देख बताइएगा ज़रूर कमेंट में, काफ़ी टेस्टी है। और अगर मेरा छोटा सा व्लॉग है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।